मेरे कोई परिवार भी मतलब नहीं आता है घर पे यहाँ कोई पड़ोसी आता है पूरे घर को बर्बाद कर दिया तो ये और कुछ गुजारा क्यों नहीं कर तो है ये तो हमारे साथ ही के अध्यक्ष जब आपको पता लगा कि रोहित गुजारा का इसमें नाम आ रहा है उसने खुद जिम्मेवारी ली है तो दिमाग में पहला सवाल क्या था सर पहला सवाल तो यही था कि शायद उसने नहीं किया होगा तो क्योंकि गोगे मेडी जी से उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है वो तो सर समाज के नेता थे तो मेरे को लगा नहीं था कि उसने किया होगा पर अभी सब जगह न्यूज में यही आ रहा है कि उसी ने किया उसी ने किया अब क्या लग रहा दिमाग में कि उसने किया हाँ अभी न्यूज़ में तो ऐसे ही देख रहे हैं सर कि उसी ने किया होगा कब से यहाँ पर रोहित गोदारा यहाँ पर कब से रह रहा था सर दो के पाँच में यहाँ से बीकानेर चला गया था वो 2005 से बीकानेर ही रहता था अच्छा हाँ उसकी मोबाइल की दुकानें थी बीकानेर में बीकानेर मार्केट में हाँ जैन मार्केट में थी गणपति प्लाजा में थी सर उसकी दो दुकानें थी एक व्यापारी था और अचानक वहाँ से क्रिमिनल माइंड कैसे हो गया दिमाग में उसके सर उसका और मेरा शादी हुआ था एक ही साथ दोनों का और मेरा ससुराल है हरियाणा में चौटाला तो हमारी शादी हो गई थी बहुत छोटे थे मैं सात आठ साल का था वो चार पाँच साल का था तब शादी हो गई थी दोनों की तो मेरी वाइफ के साथ तो सेटल हो गई उसकी दोनों की बनती नहीं थी अच्छा। वाइफ़ की और उसकी तो ऐसे करके वो 2005 हज़ार में बिकनेर गया वहाँ पे मोबाइल का, का काम करता था वाइफ को भी साथ में ही रखा था दो तीन साल और फिर उनकी नहीं बनी तो उसके ससुर ने और वाइफ ने उस पर दहेज का केस किया था दहेज का केस होने के बाद वो जेल गया था और जेल में कोई अपराधियों से संपर्क हुआ होगा कौन से साल में जेल गया था वो शायद गया था सर 2007 के आसपास गया था अच्छा कितने दिन जेल में रहा वो शायद छ सात महीने जेल में रहा था मतलब पहली बार वो पुलिस केस में फंसा था तो अपने पत्नी के साथ झगड़ा और दहेज को लेकर जो इस हाँ दहेज केस में गया था छः सात महीने जेल में रहा था

ऐसा काम होगा तो इज्जत ख़राब होगी तो हमने प्रेशर उसी पे यही बना रखा था कि भाई तुम बीवी के साथ रहो तो वो इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं था कि मैं बीवी के साथ रहूँ तो उस वजह से भाई घर वालों के साथ भी ऐसे कहता था कि तुम तो हमारा पक्ष नहीं लेते हमारा तो वो अलग ही रहता था उस वजह से तो यहाँ पर आप भाई हो बड़े और परिवार में पिता है माँ है तो पूरे परिवार को छोड़कर वो अलग क्यों जाना चाहता था और अलग क्यों गया क्या अपराध की दुनिया में उसके ऊपर केस होने लगे थे तो वो घर से दूर हो गया था या आप लोगों ने घर से निकाला सर हमने 2010 के आसपास उसको घर से निकाल दिया था हुँ. भाई तो जब वो केस पेश हुआ ना तो हमने बोला अभी तुम्हारे साथ क्या नाता रहा है तुम हमारे साथ तो रहे नहीं हमारे साथ रहता तेरा परिवार बनाता तेरे बच्चे होते हमारी भी ऐसे होती कि भाई है साथ में कड़ा है तो हमने बोला तू तेरा धंधा कर और तू तेरा खा पी तो वो बिकने रहने लगा था उसके बाद में सर वो अपराधियों के साथ में ही रहा था जैसे जेल में उससे अपराधी हुए छोटे मोटे पहले किसी पे जमीन पे कब्जा करना किसी को छोटा मोटा थप्पड़ वपड़ मारना ये काम शुरू किया था दो हजार में उसने अच्छा हाँ तभी से वो जेल में जाने लगा था हाँ तभी से सर वो उसका जेल में आना जाना रहता था तो ये 2010 के आसपास आपने बताया कि हमने उसे निकाल दिया था तो क्या पूरी तरह से जमीन जायदाद हर चीज़ से बेदखल किया था बिल्कुल सर बेदखल कर दिया था हमने 2010 में उस टाइम भी वो सात आठ साल से हमारे साथ था ही नहीं हुँ. 2010 में भी तो हमने 2010 में उसको भाई बेदखल कर दिया था पापा ने न्यूज में वगैरह सब जगह निकलवाया था पापा ने अच्छा हुँ. ये जब निकाला था गया था तो कई गैंगस्टरों से भी मिला वो जेल में आप बता रहे हैं जिस तरह से तो किसके साथ ज़्यादा रहा कुछ आप लोगों को बताया होगा सर मेरे है? को एक दो नाम ज़्यादा याद है एक तो दाना राम श्या गहलोन का ही है एक राजू सिंह पंवार है ये दोनों के साथ ज़्यादा रहा था सर अच्छा हाँ संपत वगैरह संपत नेहरा वगैरह से कैसे संपर्क में आया था नहीं सर उसका मेरे को आइडिया हो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जुड़ा है ये कहा जा रहा था संपत नेहरा के साथ जुड़ा था सर न्यूज़ में तो यही पढ़ रहे हैं कि इन सबके साथ वो जुड़ा हुआ है हाँ क्या इतना क्या क्यों जाता था वो इस तरह से क्योंकि आज की डेट में राजस्थान में राजस्थान पुलिस उसे तलाश रही है देश की पुलिस उसे तलाश रही है इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है उसकी गिरफ्तारी को लेकर और कब से आप लोग नहीं मिले हैं सर वो तीन साल पहले अजमेर जेल से छूटा था तब एक दिन के लिए घर आया था तो उसके बाद में वो गया था रामनवमी थी शायद रामनवमी के उसे जोधपुर में ऐसे प्रोग्राम थे वीडियो आए थे सरपा की तो हमें पता नहीं था वीडियो देखे थे हमने तब रामनवमी पे यहाँ से गया था वो एक दिन के लिए दिन में रहा था वो खेल से छूटा था परिवार में माँ बाप से बात तो करता होगा फोन पे फोन पे बात नहीं करता सर अभी तो भाई न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि वो विदेश भाग गया विदेश भाग गया पर वो जब बीकानेर भी था ना तब भी माँ बाप से मेरे से बात नहीं करता था और दूसरी बात मेरी दादी एक्सपायर हुई थी आज से दस साल पहले तो वो बीकानेरी था बाहर था जेल में भी नहीं था तो दादी एक्सपायर हुई थी तब भी वो परिवार में नहीं आया था दादी के अंतिम संस्कार में भी नहीं आया था सर तो तीन साल पहले जब आपने बताया कि एक बार बीकानेर से आया था मिलने के लिए तो क्या कहा उस टाइम पर उसने सर हमसे ज़्यादा बात नहीं की उसके साथ पाँच सात लड़के थे तो और माँ ने उसको कोशिश की थी कि भाई हम तो यही सोच रहे थे कि जेल में रहा होगा तो कुछ परेशान हुआ होगा तो सुधरने का चांस है उसका कुछ बात करेंगे तो हमसे उसने ज़्यादा बात की नहीं सर माँ ने पिता ने कभी समझाया आप बड़े भाई हैं ने सर इतना समझाया था कि मैं तेरे को जाने नहीं दूंगी अभी तो माँ मा यहाँ पे सो गई थी आगे उसके और रोने लग गई थी कि मैं तेरे को जाने नहीं दूंगी यहीं रहे तब ये बोल के गया था कि माँ मैं यहाँ रहूँगा ना तो भी लोग मेरे को मार देंगे और फिर चला गया था सर इतने केसेस उसके ऊपर हैं बत्तीस बत्तीस केस उसके ऊपर लगे गए हैं चाहे उसमें हत्या भी है रंगदारी है दूसरे मामले धमकाने प्रॉपर्टी ग्रैबिंग और अब आपको लोगों को लगता है कि आपका भाई जो है हाँ, अब किस दिशा की तरफ चला गया क्योंकि आप लोगों के कहने पर भी वो अब सामने नहीं आना चाहता पुलिस से बच भाग रहा है सर वो तो गलत ही कर रहा है सही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी बहुत आ, गलत कर रहा है आपको लगता है कि आप लोग अगर कभी वो आपके सामने अचानक आ गया तो क्या कहोगे आप लोग उससे सर सामने नहीं आएगा वो क्योंकि जब इधर बिकानेर था तब भी वो नहीं आया तो अभी क्या सामने आएगा सर आपके दिमाग में कभी रहा कि उससे कहें कि सरेंडर कर दे पुलिस तेरे को कम से कम पुलिस के पास सरेंडर कर दे तेरी जान बच जाएगी नहीं सर हमने कहा तो नहीं क्योंकि वो हमारे संपर्क में ना तो हम कैसे कहते हैं पर यदि आपकी न्यूज़ के माध्यम से वो सुन रहा है तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई सरेंडर कर दे फायदे में रहेगा बेगुनाह को क्यों मार रहा है आज आपकी आंखें भर रही हैं हम देख रहे हैं भाई के लिए सर क्या करें परेशान हो गए जिंदगी बर्बाद कर दी सर मरी सर हमारे कोई परिवार वाला नहीं आता घर पे ना कोई पड़ोसी आता है पूरे घर को बर्बाद कर दिया सर। आज क्योंकि पुलिस भी उसे ढूंढ रही है आप भी चाहते होंगे क्योंकि भाई आपका रहा है और भले अब वो गैंगस्टर या फिर तो गैंग्स के साथ जुड़ गया तो कोशिश यही करेंगे कि वो भी सुधर जाए सर मैं तो यही कहूंगा सुधर जा और ये क्यों निर्दोष लोगों को मार रहा है भाई तेरी क्या दुश्मनी है आपसे सर हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है हम खेती करते हैं अपना पेट पालते हैं क्या इन बड़े लोगों से दुश्मन होगी हमारी पिताजी पिताजी क्या करते करते हैं हैं सर दोनों खेती मैं आ, सब... पुलिस की लगातार दो तीन दिन से आसपास क्योंकि जयपुर में जिस तरह से करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या हुई है रोहित ने पोस्ट डाला है सोशल मीडिया पर अपनी खुद की जिम्मेवारी ली है दोनों शूटर फरार हैं उनकी तलाश की जा रही है पुलिस आप लोगों के घर भी आई है हाँ सर एसपी साहब आए थे हमारे घर और मेरे लड़के को भी लेके गए थे साथ में पूछताछ के लिए और मैं भी यहाँ पे पूछताछ की थी हमारे फोन सारे चेक किए थे और फिर लड़के को भी छोड़ दिया था उन्होंने क्योंकि सर हमारा पंद्रह साल से उसके साथ संपर्क नहीं है आप लोग बिल्कुल बातचीत नहीं करते नहीं सर उस बिल्कुल बातचीत नहीं, नहीं, बात नहीं है उससे तो पुलिस क्या करी थी अब आगे जब कहा उन्होंने सर पुलिस तो यही पूछ के गई थी कि कब उससे बात हुई क्या बात होगी तो बताएंगे भाई तुम बता देना तो भाई हमने भी यही बोला था और पहले भी यही बोल रखा है कि सर हम से पहली बात तो बात ही नहीं करेगी क्योंकि परिवार का से उसको लेना देना नहीं सर परिवार से लेना देता हो तो हमें ऐसे क्यों मार के छोड़ के जाता हो तो वो हमें तो संपर्क करेगा नहीं सर उनके तो वही परिवार है बस गुंडे लोग ही सर हम कहाँ परिवार है उसके अब पूरे राजस्थान में आपने देखा प्रदर्शन हो रहा था कर्णिश सेना के अध्यक्ष की हत्या के बाद एनकाउंटर की मांग कर रहे थे लोग उसकी सर ऐसे अपराधियों का तो अंत यही है पुलिस की गोली या सामने वाले की गोली इनका तो यही अंत है किसी का भी देख लो जितने भी गैंगस्टर से सबका अंत गोली हुआ है सर और मैं तो यही कहूँगा कि सरेंडर कर दे भाई न्यूज़ देख रहा है तो फायदे में रहेगा बेगुनाहों को मारना बंद कर दो तो ये रोहित गुदारा के बड़े भाई है और इनका यही कहना है कि हम किसान हैं किसानी करते हैं खेती करते हैं हम चाहते हैं कि वो सरेंडर कर दे क्योंकि जिस तरह से उसके ऊपर आरोप लगे हैं निर्दोष बेगुनाओं को के हत्याओं के आरोप लगे हैं तो रोहित गुदारा जहां पर भी है उसके भाई की तरफ़ से यही कहा जा रहा है कि वो सरेंडर कर दे ताकि पुलिस के पास वो अब तक रहेगा तो उसकी जान बख्श दी जाएगी और इस पूरे मामले में